बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, पूरी टीम भी करते थे, मैं भी करता था। जितना अच्छा वो प्लेयर है, जितना अच्छा वो इंसान भी है। महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान टीम का कैप्टन होता तो पाकिस्तान की टीम आज कहाँ होती? मेरे ख्याल से धोनी से सीखना चाहिए बच्चों को, जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ऐसे प्लेयरों को ऐसे नहीं जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाक टीवी डॉट टीवी। मैं हूँ आपका होस्ट इमरान अली। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के मायानाज विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल के साथ। उनसे बात करते हैं एमएस धोनी की रिटायरमेंट के बारे में। सर, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना शानदार कैरियर का इख्तिताम कर लिया, रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो देखिए अमेजिंग कैरियर, अमेजिंग प्लेयर, अमेजिंग परफॉर्मर और अमेजिंग कैप्टन, ये चारों चीज़ें उसमें थी जो मेरे ख्याल से ऐसी परफॉर्मेंस दे के गया अपनी इंडिया के लिए। बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट उसने दी है अपनी कैप्टनसी में, और उसके साथ जो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल विकेट कीपर बैट्समैन आया इंडियन हिस्ट्री में और वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में। कुछ नाम है विकेट कीपर बैट्समैनों में, मेरे ख्याल से धोनी उसमें ज़रूर आएगा, हमेशा आएगा। जब भी कोई क्रिकेट होगी या कोई विकेट कीपर बैट्समैन वर्ल्ड में विकेट कीपर बैट्समैन का नाम आएगा तो उसमें धोनी का ज़रूर नाम आएगा, क्योंकि परफॉर्मर इतना बड़ा, वनडे में 50 की एवरेज, फिर 90 टेस्ट मैच खेलना, फिर T20 वर्ल्ड कप जिताना, 50 ओवर वर्ल्ड कप जितवाना और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की जितवाना, टेस्ट टीम को, इंडियन टीम को नंबर वन लेके जाना। तो ओडीआई टीम को कभी सोचते होते थे इंडियंस को, पूरा वर्ल्ड के इंडियन टीम भी आएगी, ये चीज़ थी धोनी में जो लेके चला। वो फुल क्रेडिट जाता है उससे पहले गंगुली को, जो प्लेयर ऐसे लेके आया इसके साथ के बैच के प्लेयर, जैसे लाइक कैफ था, युवराज था, ज़हीर खान था, गौतम था, सहवाग था, तो ये रैना था, तो ये प्लेयर ऐसा था जो टीम को लेके चला। और देखे कप्तानी करना बड़ा इजी होता है कि मैं कप्तानी करूं और मेरी जगह पक्की रहे, टीम हारे या जीते उनसे कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन धोनी में ये खासियत थी, टीम भी बना रहा था, अपनी परफॉर्मेंस भी वर्ल्ड क्लास दे रहा था और प्लेयर्स भी बना रहा था जो आपके सामने अब टीम को लेके चल रहे हैं, स्टिल नंबर वन है, ये खासियत थी उसमें। कोई एंगल नहीं, बस अपनी कंट्री के लिए अच्छा करना, तो ये उसने डिलीवर किया। और ऐसे प्लेयर्स को मेरे ख्याल से मैंने अपने चैनल पे भी बोला कि ऐसे प्लेयर्स को ऐसे नहीं जाना चाहिए, उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलनी चाहिए, उसका फेयरवेल मैच होना चाहिए जो वो ग्राउंड से जाए, जैसे ग्रेट सचिन तेंदुलकर गया इंडिया से, तो ऐसे प्लेयर्स को ऐसे जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट हमारी हो या उनकी हो, जब कोई प्लेयर ऐसा हो जिसने अपनी कंट्री के लिए इतना सर्व किया हो, इतनी परफॉर्मेंस दी हो, तो उसका जाना ऐसे क्वाइटली जाना बनता नहीं है। जैसे उसका नाम मिस्टर कूल है, मिस्टर कूल की तरह ही वो चला गया कि बगैर बताए आपने अपने पोस्ट की या रिटायरमेंट का, तो ये अफसोस है। लेकिन ऐसा प्लेयर कम ही आता है वर्ल्ड क्रिकेट में, और ऐसे प्लेयर्स हम आगे जैसी क्रिकेट हो रही है आपको पता है गिनती के दो चार ही अब उंगलियों पर नाम आ जाते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयरों के, तो ये चीज़ें कम हो रही हैं। तो स्टार बनना, उसको अपने आप को मेंटेन करना, मेरे ख्याल से धोनी से सीखना चाहिए बच्चों को, जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ग्रेट सचिन तेंदुलकर से सीखते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। धोनी की भी आपके सामने स्मूथली उसका कैरियर है, ये इस चीज़ की खुशी है और मोटिवेशन है यंगस्टरों के लिए कि किसी ने क्रिकेट खेलनी है या किसी भी स्पोर्ट्स में, वो ऐसे खेली जाती है अपनी परफॉर्मेंस के साथ, अपनी मेहनत के साथ। महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान टीम का कैप्टन होता तो पाकिस्तान की टीम आज कहाँ होती? देखिए ऐसे कैप्टन होना बड़ा ज़रूरी है। हमने अपनी लाइफ में जितना हमने खेला, हमने तो इंजी भाई को देखा और यूनुस भाई को देखा कि वो टीम को लेके चले हैं, साथ प्लेयर्स बनाए हैं। तो पाकिस्तान में देखें, अभी वो जहाँ पे था, अल्लाह ने जहाँ लिखा हुआ था उसका, जिस मुल्क में लिखा हुआ था उसने अच्छा किया अपने मुल्क के लिए, तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। देखें पाकिस्तान में जो भी है, मैंने कहा ना कि ये मिसाल हमारे सामने है, और उसने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली, साथ टीम भी बनाई है, इंडियन टीम को भी वो ऊपर लेके गया है। ऐसी मेंटालिटी हमारे कप्तानों में भी होनी चाहिए, और जो आजकल की क्रिकेट में आप देखते हैं कि अपनी जगह के लिए खेल रहे होते हैं कि अपनी जगह पक्की कर लें, टीम जीते या हारे उससे कोई कंसर्न नहीं है, ये चीज़ें नुकसानदेह हैं किसी भी कंट्री की टीम की। तो आई विश के ऐसे प्लेयर्स हमारे पास भी आएँ, ऐसे कैप्टन हमारे पास भी आएँ। जो मौजूदा कैप्टन है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब तक जीतेंगे नहीं, कंट्री जीतेगी नहीं, आपकी अपनी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास होगी नहीं जैसे धोनी की हुई है, तो उतनी देर हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें बड़ी सोचने वाली हैं, और प्लेयर्स को भी, मैनेजमेंट को भी, कि ऐसे प्लेयर्स हमने कैसे बनाने हैं, किस प्लेयर्स का हक बनता है जो टीम को ऊपर लेके जाए, कंट्री की क्रिकेट को
ऊपर लेके जाए। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं किसी भी प्लेयर्स के लिए और किसी भी कैप्टन के लिए, किसी भी ग्रेड बनने के लिए। सिर्फ ये नहीं, एक दो परफॉर्मेंस से हम लोग इतना ऊपर ले जाते हैं फिर वो हम समझते हैं कि वो ऊपर ही रहेगा और उसकी परफॉर्मेंस को जज करना मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे प्लेयरों को ऐसे नहीं जाना चाहिए, मैंने कहा उनका मुकाम बहुत बड़ा है परफॉर्मेंस के साथ अपनी कंट्री के लिए, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो इंडिया का हो। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं एज ए मैनेजमेंट कि ऐसे प्लेयरों को हमने जलील करके या उनको उनसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करनी। जब काम मुकम्मल हो गया, वो 15-20 साल वो क्रिकेट खेल रहा है तो उसकी वो 15-20 साल की मेहनत को आप एकदम से भूल जाएं और उसकी सर्विस को भूल जाएं तो ये चीज़ें नुकसान दें हैं। तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल धोनी की है, जैसे वो गया। मेरा अपना ओपिनियन है, जितना अच्छा वो प्लेयर है, जितना अच्छा वो इंसान भी है, और ऐसे प्लेयर्स को ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो उसको स्टैंडिंग ओवेशन के साथ जाना चाहिए। वो एक वो जो मंजर है वो दुनिया देखे, जैसे हमने ग्रेट सचिन को देखा, जैसे मैंने अंजी भाई को देखा, जैसे मैंने यूनुस भाई को देखा, मिसबा को देखा। तो ऐसी चीज़ें मैंने, ऐसे प्लेयर ग्राउंड से खेलते वक्त जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं कि जब हमने छोड़नी है विद परफॉर्मेंस कैसे छोड़नी है। ये नहीं कि आप टीम से निकाल दें उसके बाद उससे पूछें ना, ये चीज़ें नुकसानदेह। जो अभी रिसेंटली हुआ है धोनी के साथ वर्ल्ड कप के बाद, अभी भी मैं कहता हूँ कि अगले इंडियन हिस्ट्री में ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन कोई भी नहीं आएगा। बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं उनके पास, विकेट कीपर्स, जैसे दिनेश कार्तिक है, कितना अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो सेटल नहीं हो पा रहा टीम में क्योंकि वो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है उसकी जैसे धोनी की है। तो ये चीज़ें देखने वाली कि ऐसे प्लेयरों को हम लोग ऐसे ना जाने दें। अच्छा, जैसे कि आपने कहा मिस्टर कूल, आपकी गौतम गंभीर के साथ एक दफ़ा जैसे कि आपने कहा मिस्टर कूल हैं, आपकी एक दो दफ़ा गौतम गंभीर के साथ हुई, उसके अलावा अशांत शर्मा के साथ, वो बीच में आकर बच बचाव करवाते थे। देखिए मैंने वही मिसाल दी है ना कि वो ऐसा जेंटलमैन था और दोनों की बारी मेरे ख्याल से सुरेश रैना भी आया था साथ, तो ये अच्छा लगा। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी गौतम के साथ भी, अशांत शर्मा के साथ भी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाती है, या मुझसे हुई हो या उससे हुई हो, लेकिन यह है कि बड़े अच्छे लगे हैं हम ग्राउंड में और ग्राउंड के बाहर भी मिलते हैं। जब भी क्रिकेट खेलते थे उनके साथ मैचेस इंडिया पाकिस्तान के होते थे, बड़ा अच्छा लगता था। एक प्रेशर होता है ग्राउंड में, वो ग्राउंड में जो प्रेशर हैंडल करता है, फिर आपको पता है एक होता है इंडिया पाकिस्तान का, वर्ल्ड भी देख रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी काउंट होती है। तो उसकी वजह से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन यह है कि बड़े अच्छे हैं, इन्होंने आए हैं बीच में और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ख़त्म करवाई दोनों ने, मिस्टर कूल ने तो और रैना ने। तो अच्छा लगा कि ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान में, ना कि हम जंग की सिचुएशन बनाएं, लड़ने की बनाएं, ना कि हम क्रिकेट खेलें, इस चीज़ों की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा। तो टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो ख़त्म करवाई। अच्छा, जैसे आप विकेट कीपिंग करते थे और MS धोनी बैटिंग करने के लिए आते, तब क्या सिचुएशन होती थी पूरी टीम? देखिए कुछ भी नहीं, जब मैं कोशिश मेरी भी होती थी कि मैं धोनी तो खैर वैसे भी बड़ा कूल रहता, कोई बात इतनी करता नहीं, बस काम की कोई बात, हाल चाल आई मीन ग्राउंड में तो नहीं, खैर बाद में जब ग्राउंड से बाहर होते थे तो बातचीत होती थी, तो अच्छा लगता था। इकट्ठे एक टाइम पे डेब्यू हुआ हुआ है उसका, 2004-05 में हुआ हुआ है, तो एक अच्छे रिलेशन थे। जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे फिर टीम में, जैसे कीनिया में वो खेलने से पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, 200 किए थे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही थी, लेकिन मिलता बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ था, ये चीज़ अच्छी थी। हम लोग भी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, पूरी टीम भी करते थे, मैं भी करता था, क्योंकि एक वो विकेट कीपर भी था, आपको पता थोड़ी सी सिमती विकेट कीपर के साथ, कोई हो तो कोई दूसरा मिले तो थोड़ी सिमती, कोई बात करने को दिल करता।